Hello everyone, I'm Adam Siraj, a student of Hindustan College of Science and Technology, IT final year, and I'm the host for today for the alumni session. With us, we have as our guest, Mr. Satyapal Singh, who is a civil servant from 2011 pass out batch. And sir, how are you? I am fine. Welcome to this session, the alumni session we have been conducting from the past few years. Thank you. And first of all, sir, we would love to know about you. How have you been working from the past few days and what is your current designation? आदम, मैं इस समय एक सीनियर सिविल सर्वेंट हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में डिप्टी डायरेक्टर की रैंक पर मैं अभी सर्विस कर रहा हूँ. और इस समय जो मुझे असाइनमेंट मिला हुआ है वो एज ए डिप्टी ऑफिशियल लिक्विडेटर दिल्ली हाई कोर्ट के लिए मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ. और 2011 में सिविल सर्विस के माध्यम से मैंने सिविल सेवा की शुरुआत की और इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस इसके माध्यम से मैं अभी देश के कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट सेक्टर की गवर्नेंस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ. सर, बहुत अच्छा लगा आपने आज का एलुमनाई सेशन हमारा ज्वाइन किया. आप बहुत बिजी रहे होंगे, आपका जो शेड्यूल है उसमें से आपने थोड़ा सा वक्त निकाला हम लोग के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से एलुमनाई हैं. एंड हम सर के फ्लैशबैक में जाएंगे और बात करेंगे सर की कुछ कॉलेज लाइफ की मेमोरीज की. सो सर, कैसी रही आपकी जर्नी हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ? हिंदुस्तान कॉलेज आदम, मैंने 2001 में ज्वाइन किया था और जिस वक्त हमने कॉलेज ज्वाइन किया था, एक आगरा रीजन का और मथुरा रीजन का ये इमर्जिंग कॉलेज था. उस समय यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसमें एडमिशन हुआ करते थे और बड़ा प्रेस्टीज का इश्यू था कि हमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हमारी ब्रांच थी जिसमें उस वक्त तकरीबन 32 स्टूडेंट्स थे और बड़ी अच्छी शुरुआत थी और बहुत अच्छे सपने हमारे पास थे. हम सोचा करते थे कि 4 साल बाद जब बीटेक करेंगे एक अच्छी सर्विस होगी और बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय की. हालांकि मैं यहाँ डे स्कॉलर था, फिर भी स्टूडेंट्स लाइफ जो है कि हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते थे उनके साथ अच्छी हमारी ट्यूनिंग हुआ करती थी. हम ज़्यादातर टाइम कॉलेज में गुजारा करते थे और इवनिंग टाइम में हम नियर बाय टाउन फरह में रहा करते थे. तो सर, बेसिकली आप फरह मथुरा से हैं एज अ रेसिडेंट? मैं बेसिकली बरेली उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ और फरह में मेरा ज़्यादातर समय गुजरा है, तकरीबन 3-3.5 साल का समय जो कॉलेज टाइम का समय था वो फरह में गुजरा है. सो सर, हिंदुस्तान कॉलेज आपने एज अ ग्रेजुएशन पर्पस के लिए क्यों चुना? हिंदुस्तान कॉलेज में उस समय इसके दो मेन रीज़न थे. एक तो मैं चाहता था कॉलेज ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, अपने आप में एक कम्प्लीट होना चाहिए, जहाँ से कुछ बैचेज पास आउट हो चुके हों, सीनियर्स का गाइडेंस होना चाहिए. और दूसरा, जो ब्रांच हम चाहते थे कुछ मॉडर्न ब्रांच, जैसे मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक नई ब्रांच थी, कुछ क्रिएशन. बाकी सारी ब्रांच उस समय एस्टेब्लिश्ड ब्रांच थी और ये इसमें मुझे लगा कुछ नया है. ये हिंदुस्तान कॉलेज में अवेलेबल थी, कॉलेज कम्प्लीट था, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जो कि अपने कंस्ट्रक्शन के दौर से गुजर रहे थे. तो मुझे लगा कि ये सरकारी कॉलेजों के एक पैरेलल कंपिटेंसी रखने वाला अच्छा कॉलेज है और इसलिए मैंने इसको चुना. सो सर, क्या हिंदुस्तान कॉलेज आपकी आकांक्षाओं पर, आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा, जैसे आपने सोचा था कि आपकी कॉलेज लाइफ होनी चाहिए? देखो, अगर मेरी आकांक्षाओं की बात करो तो इस कॉलेज ने मुझे सब कुछ दिया. मैं यहाँ पर जब आया था तो एक सपना लेके आया था कि भाई मुझे करियर बनाना है. मैं जब इस कॉलेज से गया तो एक लक्ष्य लेकर गया कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है. मैंने 2-3 साल तैयारी की इस कॉलेज के, अपने मोटिवेशंस को ध्यान में रखा और इसके मोटिवेशंस के ज़रिए जो मेरे अगले 2-3 साल का सफ़र था वो बहुत एनर्जेटिक तरीके से पूरा हुआ और मैंने सिविल सर्विस क्वालिफाई की. तो बेसिकली इस कॉलेज का जो कंट्रीब्यूशन था, क्रिएशन को मेंटेन रखने में, मोटिवेट रहने में, और आप कह सकते हैं कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला पहलू होता है, स्टूडेंट तो हम सभी होते हैं लेकिन पर्सनालिटी बहुत कम होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो पर्सनालिटी वाला पहलू है वो इस कॉलेज ने ही मुझे दिया था. और मुझे आगे यही वजह थी कि सिविल सर्विस के इंटरव्यू में मुझे ऑलमोस्ट 60% मार्क्स मिले थे, जो किसी भी कैंडिडेट के लिए एक प्रेस्टिजियस मार्क्स होते हैं, जिसमें मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान. वी आर वेरी हैप्पी, हम लोगों ने जाना सर से कि 60% मार्क्स सर ने प्राप्त किए जो सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू था. एंड आगे हम इस सेशन को ले जाते हुए सर से कुछ कैजुअल सवाल भी हम पूछेंगे इस सेशन में. सर, आपकी फेवरेट कॉलेज मेमोरी कौन सी है?
जिस मेमोरी को आप आज तक याद करके चेरिश करते हैं? देखिए, फेवरेट कॉलेज मेमोरी की बात अगर की जाए तो यहाँ होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट थे जो उस समय हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट होते थे। लगातार दो दो तीन दिन तक टूर्नामेंट चलता था, डे नाइट मैच हुआ करते थे। उस दौरान हम पूरा टाइम यहाँ हॉस्टल्स में रुका करते थे और एंजॉय किया करते थे। वो टाइम हमें बिल्कुल रिलैक्स कर देता था। और इसके अलावा ज्ञान ज्योति का उस समय यहाँ एक कार्यक्रम होता था, यहाँ का R&D का डिपार्टमेंट उस समय नया नया बना था। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो डे नाइट उसमें काम किया करते थे। कई एक स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि जैसे रन सिंह थे, उन्होंने रोबोट बनाए थे जो हमारे लिए उसमें बड़ी एक नई चीज़ थी। और आज सारे लोग वेल सेटल्ड हैं, तो ये बड़े अच्छे मोमेंट है कि हम उस समय सोचा करते थे और आज जाकर देखते हैं तो लगता था जो सोचा करते थे वैसा आज हुआ है। चलिए, तो सर ने बात करी कि सर को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़। सर, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और भी जो आप क्रिकेट के अलावा करते हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, इस तरीके की कोई एक्टिविटी? मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं था किसी भी एक्टिविटी का, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादातर समय मैंने अपनी पढ़ाई में निकाला, क्योंकि एक तो इंजीनियरिंग की स्टडी थी, फिर कॉलेज के लास्ट ईयर से, सेकंड लास्ट ईयर से मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की, इनिशियल फेज स्टार्ट कर दी थी। तो जो भी मुझे टाइम मिलता था मैं जनरली GS इम्प्रूव करने में या उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे उसमें निकाला करता था। तो सर, अपार्ट फ्रॉम द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर हम बात करें कॉलेज की लाइब्रेरी में और ऑडिटोरियम की, तो वहाँ आपका समय कैसा बीता? देखो, ये एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया था कॉलेज, तो उस समय एग्ज़ाम बड़ा टफ होता था और हम लोगों की जो हमारे दोस्त थे उनके भी बैक आप जानते होंगे जब, हाँ, तो उस समय एक दो पेपर में बैक आ गई, सारे लोग परेशान हो गए। अब ये हुआ कि भाई अब अगले एग्ज़ाम के साथ इनको पैरेलल क्वालिफाई भी करना है, तो लाइब्रेरी हमें एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर हमें लगता था कि हम दिन रात पढ़ सकते हैं। उस समय मई जून की गर्मी थी और जून एंड में और जुलाई में पेपर होने थे, तो मैं आपको फर्स्ट ईयर के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लाइब्रेरी को मैंने शायद उस समय ऐसा था कि हम 30-30 आवर्स लगातार पढ़ा करते थे। एक कॉफ़ी शॉप और चाय की शॉप हुआ करती थी, उस पर हम चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे और फिर से आके लाइब्रेरी में पढ़ने लगते थे। उस समय जो लाइब्रेरियन होते थे वो कहते थे कि आप लोग घर नहीं जाते, तो हम उनसे एक बात कहा करते थे, इस लाइब्रेरी से हमें सारी अपनी जो बैग है वो क्लियर करनी है और हमें ऑल क्लियर होना है। तो ये जो मोमेंट थे हमारे लिए बड़े एनर्जेटिक थे और लाइब्रेरी बहुत ही एनर्जेटिक थी। तो सर ने बताया कि सर को पढ़ाई के साथ साथ चाय का भी शौक था, एंड किस तरीके से बैकलॉग क्लियर करे दोस्तों के साथ मिल करके, और कैसे कॉलेज में टाइम बीता। सर, कोई ऐसी फैकल्टी है जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड हो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से या और सभी डिपार्टमेंट से इंक्लूड करके? देखिए, यहाँ सारी फैकल्टी बहुत अच्छी थी, मोटिवेटिंग थी। बेसिकली सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ मनोज बालियान सर थे, जो हमारे मेंटर भी थे। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी कि सत्यपाल वो मेरा किरणे वाले हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर भविष्य में जो तुम 3 साल बाद बनना चाहते हो उसके लिए आज से कोशिश करो। और मैंने उनसे बताया कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम आज से कोशिश करो तो तुम 3 साल बाद वो होगी, लेकिन उससे पहले अपनी सारी बैक क्लियर करो, क्योंकि जो प्रेजेंट है वो सबसे मजबूत होता है। तो पहले तो अपनी बैक क्लियर करो, अभी IAS बनना तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। सेकेंड ईयर में मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मैंने पूरा डिवोटेड अपना इंजीनियरिंग के लिए दिया, अपनी सारी बैक क्लियर की, और फाइनल ईयर तो मैं बिल्कुल ऑल क्लियर हुआ। उसके बाद फाइनल ईयर से मैंने टारगेट रखा कि अब बालियान सर की बात को ध्यान में रखना है। फाइनल ईयर एग्ज़ाम से मार्कशीट लेने के बाद मैंने 3 साल मेहनत की, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ऑलमोस्ट 3 ईयर्स में मैंने सिविल सर्विस भी क्रैक किया। सर, बहुत मोटिवेटिंग बात आपने यहाँ पे बताई है, और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अक्सर करके स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर बैकलॉग्स आ जाती है उनकी फर्स्ट ईयर में या कभी भी, लेकिन एक लाइव एग्जाम्पल आज हमारे साथ हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोशिश कर सकते हैं और आप ऑल क्लियर हो करके अपने BTech में भी अच्छा प्रयास कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे सर जो मौजूद हैं वो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट थे और आज सिविल सर्वेंट हैं, तो बैकलॉग्स डजेंट मैटर, मोटिवेटेड रहिए और अच्छा करते रहिए। सो सर, एक मैसेज जो आप हमारे जूनियर्स के लिए, सभी हिंदुस्तान कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और शारदा परिवार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे?
देखिए मैसेज मेरा यही है कि कभी भी किसी पॉइंट पर किसी कंक्लूजन पे ये ना पहुँचे कि हम हार गए। हो सकता है कि हम किसी लक्ष्य को, लक्ष्य हमारा इतना बड़ा हो कि जब हम वो चीज़ गेन करें तो हम इतनी आगे निकल जाएं कि सारी दुनिया हमारी तरफ घूम जाए और उस समय हम सबसे आगे हों। इसलिए कभी भी डिमोटिवेट ना हो, हमेशा मेहनत करते रहें। और हाँ, अगर जीतने का जज्बा हो तो एक ना एक दिन जीत मिलती ज़रूर है। और जिस दिन हम जीतते हैं, हम सबसे पीछे वाली पंक्ति में भले ही हों, लेकिन उस दिन पंक्तियाँ घूम जाती हैं और हम सबसे आगे हो जाते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है, और इसी के साथ मैं आज के एल्यूमिनाई सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, एंड वी विल बी बैक विद येट अनदर एल्यूमिनाई सेशन। गाइस स्टे ट्यून्ड, #makeithappen शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू सो मच सर।